तो हेलो दोस्तों, तो अभी हम आए हैं कुतुब मीनार में। कुतुब मीनार देखने के लिए आए हैं, काफ़ी समय पहले आए थे। तो अगर आप दिल्ली से बाहर से कहीं आ रहे हो और आपको कुतुब मीनार पर आना है, तो आप मेट्रो लाइन से भी आ सकते हो और बस से भी आ सकते हो। अगर मेट्रो से आप आ रहे हो तो मेट्रो से इसका रास्ता पड़ता है 1.5 किलोमीटर का। आप किसी भी ऑटो वाले से बोल सकते हो, वो आपको उतार देगा। 15 मिनट का रास्ता अगर आप बुक करके आते भी हो तो जल्दी पहुँच जाओगे। मेट्रो क्या बोलते हैं, ऑटो से आप और जल्दी पहुँच जाओगे। तो अभी हम जा रहे हैं कुतुब मीनार और एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा बहुत, क्या है क्या नहीं है बताएंगे आप सबको। तो ये है, ये जगह जो है जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, ये जगह मेरे ख्याल से उनका गार्डन वार्डन होता होगा, जो उस टाइम पे राजा महाराजा थे यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक, उसी टाइम के ये पेड़ भी उनके उनसे ही पुराना होगा मेरे ख्याल से, तो अगर उन्होंने लगाया होगा तो। और देखो क्या हाल कर रखा है यहाँ का, देखो ये देखो ब्यूटी कहाँ है, ब्यूटी गायब कर रखी है बिल्कुल यहाँ से, इतना गंदा कर रखा है यहाँ पे। शर्म आनी चाहिए, अगर फॉरनर्स आते हैं तो क्या देखेंगे, ये देखेंगे फॉरनर्स आके। और ये यहाँ पर एक छोटी सी मस्जिद है जिसमें लोग नमाज भी पढ़ते हैं, और ये उसके बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे, ये भी दिखाओ भाई। कुतुब मीनार को क्यों बनाया गया था, कुतुब मीनार को इसलिए बनाया गया था क्योंकि कुतुब मीनार को जब बनाया था तो जीत के जश्न में जो बनाया था, कि मतलब ये जीत एकता का मतलब जीत का प्रतीक है ये, कि जब वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुछ जो जो जन्म जीती थी उसके खुशी में इसको बनवाया था, जो कि दर्शाता है कि हाँ उनका राज था उस समय यहाँ पर।
ना Oh!
Thank you.